साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर गुरु नानक चौक और अशोक चौक के बीचों बीच दो नंबर बस स्थान और ये शास्त्री नगर इलाका है, उसके बीच में मैं रुका हुआ हूँ। मुझे पता चला है कि 19 तारीख को हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलापुर आ रहे हैं। हमको बहुत बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि मैं उनका स्वागत करता हूँ। वो सोलापुर में आए और सोलापुर में अस्वच्छता जो निर्माण हो चुकी है उस पर नज़र डालें। आपने तो सरकार बनने के पहले संदेश दिया था कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, भारत स्वच्छ होना चाहिए। देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए हैं। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई थी, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई, देश से बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है। इसी के ताल्लुक से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सोलापुर शहर की स्थिति अत्यंत खराब होते जा रही है। सोलापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों की दुर्लक्षता में ये आज जो स्थिति जो नज़र आ रही है आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं नज़ारा, यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई होती नहीं। महानगर पालिका हो या सरकारी कर्मचारी जो भी हो, वो लोग यहाँ पर ध्यान देते नहीं। आज जो स्थिति जो निर्माण हुई है ये पूरा अस्वच्छता है, आप जो देख रहे हैं ये पूरा अस्वच्छता है। मैं प्रधानमंत्री से एक विनंती करता हूँ, खास तौर पर प्रधानमंत्री, आप सोलापुर में आने के बाद सब में पहला हवाई अड्डे से उडगी रोड के जरिए आप महावीर चौक और सात रास्ता का प्रयास करने वाले हैं और रोड शो का प्रोग्राम लेने वाले हैं, ये मुझे खबर मिली है। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, आप उसका रास्ता न पकड़ते हुए आप गुरु नानक चौक और अशोक चौक का रास्ता तय करें और इसी रास्ते से रोड शो करें, ताकि पता चले कि हमारा भारत देश कितना स्वच्छ है और कितना सुंदर है, ये मालूम हो सके। अगर आप नहीं आना चाहते हैं रोड शो के कार्यक्रम को तय करते हुए, अशोक चौक के मार्ग पर नहीं आना चाहते हैं, तो कम से कम आपसे मैं विनंती करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप हेलीकॉप्टर से अगर जा रहे हैं तो इसके ऊपर ज़रा नज़र डालिए। ये करीब 2 किलोमीटर तक इतना पूरा गंदगी अस्वच्छता है, यहाँ पर गंदा पानी और कचरा डेले वगैरह लाकर फेंका गया है, यहाँ से अनेक बीमारियों का उजागर हो रहा है।
आप जो देख रहे हैं ये नज़ारा देख सकते हैं। ये जो रास्ता जो दिख रहा है ये गुरु नानक चौक को जाता है और इधर का जो रास्ता है ये अशोक चौक को जाता है। ये अशोक चौक का रास्ता है। मैं प्रधानमंत्री से विनंती करता हूँ कि आप 19 तारीख को जब सोलापुर में आएंगे तो इसी रास्ते से चले जाएं, ताकि पता चले कि हमारे भारत देश की स्वच्छता सोलापुर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस तरह रखी है। ये इतनी गंदगी है और ये गंदा पानी है, ये नाला है, ये नाला कभी साफ होता नहीं और यहाँ के कर्मचारी भी साफ नहीं करते। आप देख रहे हैं ये जो माहौल जो नज़र आ रहा है, इसका परिणाम इस बस्ती में यहाँ के मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं और कुछ गरीब कष्टकारी काम करने वाले लोग हैं, उन पर असर होता है। आप जो देख रहे हैं डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियां यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं। मैं यही विनंती करता हूँ प्रधानमंत्री से, या उनके साथ आ रहे हैं हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी विनती करता हूँ कि आप जा रहे हैं तो यहाँ से जाएं, ये रास्ते से जाएं और पता चले कि हमारे सोलापुर की स्वच्छता और सुधारना कहाँ तक उचित है। आप देख सकते हैं, मेरे को कहना बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते और ना ही नाले की सफाई करते हैं। कर्मचारी नाले की सफाई न करने की वजह से नाले के अंदर करीब मेरे अंदाजे से 3 या 4 फुट गाढ़ रुका हुआ है। आप देख सकते हैं ये इतना बुरा हाल इस सोलापुर का है। सोलापुर में स्वच्छता अभियान के लिए 14वां नंबर प्राप्त किया है। ये आनंद की बात नहीं है, शर्म की बात है हमें। यहाँ पर अस्वच्छता है, यहाँ पर स्वच्छता बिल्कुल नहीं है। सोलापुर में अनेक ठिकानों पर कचरा कुंडी और घंटी गाड़ी का कोई प्रमाण नहीं है। आप देख सकते हैं
Thank you.